लेकिन आज आपको यह भी बता देता हूं कि दुनिया की स्थिति फिलहाल तो सुधरने वाली नहीं लग रही, और इसलिए कह रहा हूं कि ये चैलेंजेस नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ेंगे भारत को ऐसा बना के रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि युद्ध अगर रुक जाएगा तो शायद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब युद्ध पुतिन चाहेंगे तो भी यूरोप वाले खत्म करने नहीं देंगे, क्योंकि यूरोप को लग गया है कि फिलहाल उन पर जो संकट था वो दूर हो गया। यूक्रेन युद्ध से जो महंगाई बढ़ी थी और जो संकट आया था उसमें यूरोप के लिए तो ऐसा हाल था कि महीनों से यहां वहां सब डर में जी रहे थे कि सर्दियां आएंगी तो हमारा क्या होगा, वहां तो बर्फ गिरती थी, सर्दियां आएंगी तो गर्म रखने के लिए बिजली गैस ज्यादा लगेगी और बिजली गैस की कमी के से दाम तो वैसे ही बढ़े हुए हैं, इसलिए सबका बिजली गैस का बिल बढ़ने वाला था। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सर्दियों में यूरोप में 2-2 लाख रुपए का बिजली बिल आएगा। इसी वजह से यूरोप के देशों ने तेजी से गैस का स्टॉक फुल करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूरोप को अब तक गैस का संकट झेलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यूरोप को इस बार वहां के मौसम ने अब तक बचा कर रखा है। यूरोप में अक्टूबर से लेकर जनवरी में अब तक सामान्य तौर पर जो मौसम कड़ाके की ठंड वाला रहता था, वहां इस बार उतनी ठंड ही नहीं है, धूप निकली हुई है भाई, लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। इस मौसम में वहां बर्फ गिर जाती थी। यूरोप में तो कहा जा रहा है कि वो वहां सर्दियों में भी हीट वेव चल रही है, मतलब उनको गर्मी लग रही है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूरोप में इस बार जनवरी में जितना टेम्परेचर है उतना इतिहास में अब तक नहीं रहा। आमतौर पर वहां इस समय तक स्नोफॉल होने लगता है, लेकिन आप वहां का तापमान देखिए कि जनवरी की सर्दी में मई जून की गर्मी पड़ रही है। जैसे अगर आपको बताऊं पोलैंड, वहां कोरबेलो में तापमान 19 डिग्री चला गया। यह तापमान यहां मई में होता था, जनवरी में है बॉस, जनवरी में यहां तापमान 1 डिग्री रहता था, अब 19 डिग्री पर। बेलारूस के सिकोजे में तापमान 16 डिग्री के पार है, जबकि वहां आमतौर पर इस समय तापमान 0 डिग्री के आसपास रहता था। जर्मनी में इस समय 20 डिग्री है भाई, जबकि सर्दियों में वहां औसत तापमान 3 डिग्री चला जाता है। फ्रांस में इस वक्त 24 डिग्री टेम्परेचर, जबकि सर्दियों में औसत तापमान 1 डिग्री से 7 डिग्री रहता है। स्विट्जरलैंड में तापमान 20 डिग्री है, स्विट्जरलैंड में, जबकि सर्दियों में वहां -2 -7 चला जाता है, बर्फ गिरती है, शूटिंग होती थी वहां बर्फ में, इस बार 20 डिग्री है। ब्रिटेन का तापमान 12 डिग्री पर है, जबकि सर्दियों में औसत तापमान 2 से 7 डिग्री रहता है। स्पेन में इस समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सर्दियों में वहां 10-13 डिग्री तक चला जाता है। चेक रिपब्लिक में तापमान 20 डिग्री के आसपास है, औसत तापमान यहां -1 से -9 डिग्री चलता है। नीदरलैंड में 16 डिग्री है, सर्दियों में यहां औसत तापमान 3 डिग्री रहता है। तो इस तरह के हालात है यहां। यूरोप के इन सभी देशों में कई इलाकों में तो सर्दियों का औसत तापमान 0 डिग्री रहता है और कई इलाकों में माइनस में चला जाता है, लेकिन इस बार पूरे यूरोप का हाल यह है कि तापमान सामान्य से 10-20 डिग्री ज्यादा है, सामान्य से 10-20 डिग्री ज्यादा। आपको स्विट्जरलैंड का हाल दिखाता हूं। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर इस समय स्नोफॉल होता है, स्केटिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। बर्फ से ढके पहाड़ों पर इस बार ग्रीन पैच दिख रहा है, क्योंकि बर्फबारी उतनी हो ही नहीं रही। स्विट्जरलैंड में विल्लार सुर उलान और क्रांस मोंटाना जैसे स्की लोकेशंस पर, जहां लोग स्केटिंग करने जाते थे बर्फ पर, वहां घास, चट्टान और गंदगी के पैच दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर जनवरी में ये सारे इलाके बर्फ से ढके दिखाई देते थे। क्रिसमस से लेकर नए साल तक स्विट्जरलैंड में विंटर टूरिज्म पीक पर चला जाता था, लोग घूमने जाते थे बर्फ देखने। यहां घास दिख रही है भाई, यहां की ऊंची पहाड़ियों पर कई स्लोप बने हैं जिन पर स्कीइंग होती थी, लेकिन इस बार कुल 228 स्लोप में से सिर्फ 85 स्लोप पर्यटकों के लिए खुल पाए, क्योंकि बाकी स्लोप पे बर्फ ही नहीं है, स्की क्या करो। सर्दियों के इस मौसम में आमतौर पर यूरोप के ज्यादातर देशों में लोग पहाड़ों पर स्की रिजॉर्ट्स में जमा हो जाते हैं, दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। स्की करने के लिए आने वाले टूरिस्ट आ तो रहे हैं, लेकिन बर्फ मिल नहीं रही। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब यूरोप में बर्फबारी कम होती है तो वहां पर स्की के लिए आर्टिफिशियल बर्फ डाली जाती है, लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि आर्टिफिशियल स्नो भी काम नहीं कर रहा, वो भी पिघल जा रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है यूरोप। जर्मनी का हाल देखिए, जर्मनी में साल की शुरुआत में स्नोफॉल होता है, इस बार नहीं हो रहा, और इसकी वजह से ज्यादातर हॉलीडे स्पॉट्स पे बर्फ नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर रोपवे ऑपरेटर्स खाली बैठे, कोई देखने ही नहीं आ रहा, क्या देखेंगे, नीचे घास देखने आएंगे। जर्मनी के रोपवे ऑपरेटर्स का कहना है कि इस तरह के हालात पिछले 20 साल में कभी नहीं हुए। स्नोफॉल नहीं होने की वजह से स्की रिजॉर्ट भी बंद पड़े हुए हैं। आपको यूरोप के एक और देश चेक रिपब्लिक की तस्वीर दिखाता हूं।
चेक रिपब्लिक में भी बर्फबारी नहीं हो रही, जबकि इस समय वहां आमतौर पर बर्फ गिरने लगती, जिससे पहाड़ों पर बर्फ जम जाती थी और लोग उस पर स्की करते थे। स्थिति यह है कि यहां कई स्की रिजॉर्ट में जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कराई थी वो अब उसे कैंसिल कर रहे हैं। यानी सर्दियों में गर्मियों जैसा हाल हो रखा, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि युद्ध जो है वो हो सकता है और बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर यूरोप में लोग चिंतित थे कि भाई अगर युद्ध जो है वो रोकना पड़े या कहना पड़ेगा कि भाई कम कर दो, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी थी कि अगर ठंड आ गई तो कहां से लाएंगे गैस। यहां तो उल्टा मामला हो गया, गर्मी पड़ रही तो ये लोग तो और गर्माएंगे युद्ध को कि गर्म हो, और अगर वो होगा तो नरेंद्र मोदी और भारत जो बेहतर स्थिति में है उसके लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे।